काम चलता रहता है। मैंने कहा यही है जो देश के और नेता लोग भी कहते हैं कि विकास की प्रगति नहीं रुकनी चाहिए, तो बिना किसी पार्टी से मिले हुए भी ये रास्ता निकल जाता है। इस समय जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी का जो स्वदेशी आंदोलन था तो दयालबाग सत्संग की तरफ से उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी उस टाइम पे। एक बार फिर दौर देश का उसी दौर में है, तो क्या इस बार क्या दिशा देना चाह रहा है राधा स्वामी सत्संग दयालबाग उसको? नहीं, वही देना चाहते हैं, पर हमने महात्मा गांधी की तारीफ की, पर साथ में अपने ये राय भी व्यक्त कर दी कि सरकार से असहमत करके देश का जी उन्नति है उसमें बाधा पहुंचती है। और आप ये मानेंगे कि अब इस तरह की भी एक तबका हो गया है कि हर कुछ न कुछ पहलू किसी को मिल जाता है तो उसके लिए काम बंद कर देते हैं। तो काम बंद करने से तो दिक्कत है, रोजी में रोटी मिलनी चाहिए। आप काम मांगिए, काम दिया जाए, आपको जीने के लिए पैसे मिलने चाहिए, जो विरोध है उसको भी सुना जाए, फिर जो आपस में बहुमत हो उसको मान लिया जाए। आपने एक सत्संग में सुपरमैन की योजना लॉन्च की है, ये क्या है और उद्देश्य क्या है इसके? देखिए, सुपरमैन की योजना तो ये है कि हमारे जो अनुयायी हैं वो सब जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाएं और कुरीतियों से दूर हो जाए, और हमारे यहाँ लीडर वही होगा जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, जो सबसे ज़्यादा काम करता है और अपने सिर्फ स्वार्थ में नहीं निस्वार्थ सेवा करता है। तो ये निस्वार्थ सेवा की भावना पैदा करने के लिए शुरू से अगर बच्चों को ले लेते हैं तो वो यहाँ आते हैं, देखते हैं कि अपनी मिट्टी अपनी ज़मीन को कैसे हम उपजाऊ बना सकते हैं, गायों से भैंसों से जो दूध मिलता है इसके लिए उनकी क्या ज़रूरत है वो कैसे पूरी हो सकती है, तो समझदार ज़्यादा बन जाते हैं। और हमारा धर्म तो ये कहता है कि हर रोज़ का लीडर वो है जिसने सबसे ज़्यादा निस्वार्थ सेवा की। तो अभी ज़रूरत ऐसी है कि एक गुरु का इस तरह से हमारे में एक्लेमेशन कहते हैं, सहमति करके उनको गुरु मानते हैं।